ये देखा अच्छा गाड़ी की आवाज शानदार है। सौरभ जोशी ये अपार्टमेंट है, इधर ही रहता है बंदा। बंदा बहुत बढ़िया है यार, बहुत सही बंदा है। गाड़ी इधर घुस गई पूरी की पूरी, ये देखो डराऊ। क्या हाल है चाचा? चाचा की पैंट गीली हो गई। वीर जी बुलेट एकदम एक नंबर लग रही है आप पे। बाजपुर रामनगर ये वाला रास्ता जाता है, ट्रैफिक कहाँ से हो गया ये। भाजपा जीतेगी, 400 पार होगी कि नहीं होगी मेरे भाइयों? इन अंकल से पूछो ना, गाड़ी में भाजपा लगाया हुआ है। इनके बड़े ड्रीम होते हैं ना, उनको निकलना पड़ता है घर से बाहर। 400 पार मोदी जी कह रहे हैं अब की बार। भाई पुल चालू हो गया मूंगा होटल के बगल में, कमाल है यार। जब मैं वापस आया था ना तो ये पुल नहीं चालू हुआ था। 11 किलोमीटर है यहाँ से अमरोहा, टोटल मिला के 3 टोल हमने क्रॉस कर दिए हैं। रोड देखो यार, क्या मक्खन रोड है, मस्त बन गई यार, एकदम मक्खन चल रही है गाड़ी को। ओ भयंकर, कहाँ से निकला ये बेवकूफ, यही तो। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हल्द्वानी से। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मेरी बाइक स्किट हो गई थी, जब मेरे साथ लोग कुछ दोस्त यार फोटो खिंचा रहे थे, फर्स्ट बार मिले थे। मेरा पैर फिसल गया था वहां पर, रेत थी, बाइक में कुछ नुकसान हुआ था। तो ये जो मेरा शीशा है ये ऐसे होके इधर ये मेरा टूट गया, ये दिख रहा है आपको भाई इधर। और मेरा ये शीशा भी क्रैक हो गया था, तो ये तो मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ था, तो ये मैंने लगा दिया। तो अभी मेरा ये ट्यूब का वाइजर है, ये दूसरी बार टूटा है ये वाला। अभी मैंने ये चेंज नहीं किया बिकॉज ये मेरे को मिलेगा दिल्ली से, या ऑर्डर कराना पड़ेगा। ये थोड़ा सा महंगा आता है प्यूक का, मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार रुपये का आता है। आप लोग मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो नई अपडेट के लिए, अच्छी रील्स के लिए, mac_UT। आज ये मेरा हल्द्वानी में लास्ट डे है, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी अपन रहते हैं आपको तो पता ही है, तो उधर थोड़ा बहुत काम है, तो कुछ दिनों के लिए जाऊंगा। बीच में दिल्ली आना जाना लगा रहता है हल्द्वानी टू दिल्ली। तो चलो निकलते हैं नीचे। ऑलराइट गाइस, पैक कर लिया अपन ने, ये अपना ऐसे लग जाएगा, छोटा बैग है, ज्यादा बड़ा बैग नहीं है। बट इससे मोटो ब्लॉगिंग में दिक्कत आएगी ना, बिकॉज बैग आएगा तो मोटो ब्लॉग कैसे होगा देखना पड़ेगा आगे। जैकेट अपना, गर्मी बहुत है तो ये जैकेट हमने, ये हेलमेट ले लिया है, इसमें लगा हुआ है अपना कैमरा। हेलमेट साफ सुफ कर लिया था बिकॉज लास्ट टाइम मैं आ रहा था ना, तो इसके शीशे में इतनी गंदगी थी कि मुझे ना बहुत बाइक चलाने में दिक्कत हो रही थी। चलो देखते हैं। एनीवे गाइस आ चुके हैं ऑन रोड, मतलब रोड पे आ चुके हैं। ये है हल्द्वानी, इस तरफ आगे मार्केट है, पीछे की तरफ मेरा घर था। तो हमें जाना है यहाँ से राइट, मार्केट की तरफ से जाएंगे तो भीड़ मिलेगी, और राइट से जाएंगे तो सीधे हाईवे पे निकल जाएंगे और शॉर्टकट भी पड़ जाएगा। हाय हाय, बसें इतनी पुरानी भी चल रही है, धुआं पूरा छोड़ रही है। टुकटुक बोलते टुकटुक बोलते टुकटुक वाला भैया। चलो यहाँ आने से ये फायदा होता है, ये रोड खाली मिलती है एकदम। अब क्या कर रहा है आगे पीछे। ओ यार ये है यहाँ का सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। आगे की तरफ बोर्ड डिस्प्ले कर रहा है रुद्रपुर 29, रामपुर 74, दिल्ली है अपना 272, फोर्ट नगर चौराहा। यहाँ से आप एंट्री करते हो, यहाँ से हल्द्वानी एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो पूरे पेड़ वेड़ से पूरे काट के देखो कितनी चौड़ी रोड हो गई। अभी ये पूरी 4 लेन बन जाएगी, आने की अलग जाने की अलग। था ना बड़े एक्सीडेंट हो गए, देख रहे हो इसको, देख रहे हो बेवकूफ को। वन वे होना बहुत जरूरी है, आने का अलग जाने का अलग, ऐसे ही मोड़ लेंगे ये। तो इस रूट पे सबसे ज्यादा शोरूम मिलते हैं आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेने हो नए नए। आगे सुजुकी का शोरूम, 4 व्हीलर एमजी हेक्टर एमजी का, और आगे महिंद्रा का। जो सारी थारे बिकती है ना वो इधर ही से जाती है हल्द्वानी की, ये महिंद्रा थार मतलब महिंद्रा। तो गाइस चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूट्यूब के सबसे नंबर 1 ब्लॉगर का घर। मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ, ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं। सौरभ जोशी ये अपार्टमेंट है, इधर ही रहता है बंदा। बंदा बहुत बढ़िया है यार, बहुत सही बंदा है। तो यहीं पर ही आपको लोग मिलेंगे, यहाँ पे ही खड़े हुए दिखते हैं मिलने के लिए सौरभ से, और बंदा मिलता भी है और बढ़िया बंदा है यार, बड़ा मेहनती बंदा है। ऐसी कोई मिलने की नीड नहीं है अपन को, बट जब कभी मिल लेंगे आगे आने वाले टाइम पे दिख जाएगा, बिकॉज अपन भी हल्द्वानी के, भाई भी हल्द्वानी का। 266 दिल्ली, बरेली 93, पंतनगर हवाई अड्डा बन गया पंतनगर में ना। रोड देखो यार, क्या मक्खन रोड है, दिख रहा है ना एकदम मस्त बन गई यार, एकदम मक्खन चल रही है गाड़ी। बस वाले, तो ये रोड जोड़ती है रुद्रपुर से, स्टार्ट हो गया रुद्रपुर, और ये सारी की सारी मेरे राइट हैंड साइड फैक्ट्रियां हैं। अधिकतर बच्चे इधर काम करते हैं रुद्रपुर के भी, हल्द्वानी की और भी जगह से आते हैं, पंतनगर भी है। ये सब सामान ही जा रहा है फैक्ट्रियों से, देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े। ओए होए होए होए, ये देखो भाई, ये ना देखेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। छिटकुल कहते हैं इसको मेरे ख्याल से, आई थिंक। ये देखो
इधर ही नौकरी कर लेते हैं भाइयों, दिल्ली छोड़ के, क्या कहते हो आप लोग? साला घर पे रहेंगे, बाइक चलाएंगे, घर का खाना तो खाएंगे कम से कम, दिल्ली जाके रहो, घर से दूर दिक्कत तो है ही यार। जिनके बड़े ड्रीम होते हैं ना उनको निकलना पड़ता है घर से बाहर, स्मार्ट बाजार वगैरह सारा इधर है, यही मॉल है रुद्रपुर का बड़ा आई थिंक। ये देखो रेडिशन होटल सभ्य, वाह देखो खुला हुआ है, अच्छा अच्छा सारा रेस्टोरेंट खुल गया अब तो। ये देखो ये पूरा फ्लाईओवर बन रहा है आई थिंक, पता आने वाले टाइम पे काफी टाइम बचने वाला है, हल्द्वानी नैनीताल जो भी इस तरफ रूट करेगा ना भाइयों, आपका टाइम वाकई में बहुत बचने वाला है। ये देखो फाटक भी आप क्रॉस कर लोगे जब ये पुल बनेगा ना ऊपर ही ऊपर, टाइम ही टाइम बच जाएगा, टाइम ही टाइम। इस रूट पे आइए तब से देखो छठवे गियर पे चल रही है, तो भाई अभी पुल तो बन गया है बट इसके ऊपर लाइट नहीं लगी हुई है, मतलब बच्चों को भाई के बहुत पसंद होती है। देखो यार ये भी एक एंजॉय है लाइफ का, हल्द्वानी नैनीताल से दिल्ली जाते हुए पहला जो टोल पड़ेगा वो हमारे सामने, टोल हमारा फ्री है, पैसे बच रहे इधर पे। ये देखो दूध वाला भैया जा रहा है, और रुक जा भाई रुक जा हमें जान दे। जो डिस्प्ले कर रहा है मुझे गाजियाबाद 170, बरेली 63 और रामपुर 8 किलोमीटर, यहाँ से बाजपुर रामनगर ये वाला रास्ता जाता है। ट्रैफिक कहाँ से हो गया ये, हेलो हट जाओ। और सामने रेलवे स्टेशन रामपुर का, और हमको लेना है राइट, मोड़ेंगे और कुछ खाएंगे। ये आ गया क्राउडेड एरिया रामपुर का, यहाँ रुकते हैं। ग्लव्स के बगैर ना बाइक चलाने का मजा नहीं है, कुरकुरे भी लिए यार, थोड़ा नमकीन खाने का मन कर। तो लगे आते भाई रसमलाई भी खा रहे हैं, इधर की रसमलाई बहुत अच्छी लगी, ज्यादा नहीं खाऊंगा नहीं तो बाइक चलाने में दिक्कत आएगी। तो जी हो गया ब्रेकफास्ट, 11:30 बजे का टाइम है, ब्रेकफास्ट ही होगा, सुबह खाना नहीं खाया था। और ये है रामपुर, यहाँ से ही शहर अंदर की तरफ, सुंदर शहर होगा। दूसरे नंबर का टोल है, एक बार फिर कर दे। ये देखा, हाँ भाई अच्छा गाड़ी की आवाज शानदार है, 17 लाख रुपए, 17 लाख, हाँ कितना एवरेज है इसका? इसका तो 10 का एवरेज है, 10 का एवरेज है, हाईवे में ज्यादा देती है, हाँ पहली बार देखा, अच्छा चलो बढ़िया लगी, चलो भाई ओके। ये देखो डराऊ, क्या हाल है चाचा, चाचा की फ्रेंड गीली हो गई। मुरादाबाद के काफी करीब, तो ये जा रहा है बाईपास मुरादा का जिसपे हमें जाना है सीधे तो काशीपुर, यहाँ से 58 किलोमीटर, बिजनौर 100 किलोमीटर, हरिद्वार 172 किलोमीटर, मुरादाबाद है 9 किलोमीटर शहर, राइट साइड मुड़ते ही अंदर शहर है। तो हमने तो दिल्ली जाना है तो बाईपास पकड़ा हुआ है, गर्मी एकदम चरम सीमा पे है, मतलब चरम पे है, हमारे सर पे पड़ रही है। तो बाइक जब तेज चलती है ना तो हवा ठंडी लगती है, अभी वाली गर्मी नहीं पड़ेगी, एकदम तप रही है, तो डरा दे क्या। तो ये निकल गया होटल मुरादाबाद का पीछे, पेट्रोल पंप जो लोग मुरादाबाद से समझ सकते हैं जान सकते हैं। ये देखो भाई एक्सीडेंट हो रखा है सामने, गाड़ी इधर घुस गई पूरी की पूरी, तो रात को चढ़ा दी होगी यहाँ पर, टायर निकल गया इस तरफ। पहले आता था ना तो मेरे पास एक लेंसर कार होती थी जब अपने घर जाता था दिल्ली से, मेरी तो फेवरेट कार थी उस टाइम की, कईयों की फेवरेट गाड़ी थी। तब मैं उस लेंसर में मैंने सीएनजी किट लगा रखी थी, यहाँ से भरवाता था मैं, मुरादाबाद के पास पड़ता है ये सीएनजी पंप। 11 किलोमीटर है यहाँ से अमरोहा, टोटल मिला के 3 टोल हमने क्रॉस कर दिए है। सामने अब आएगा अमरोहा, अमरोहा के बाद एक और टोल भी जाएगा राजघाट के आसपास। हाथ चलते चलते ना ये हाथ ऐसे पकड़े रखो ना। तो गाइज अगर आप लोग खाने के शौकीन है ना, ये जगह है वो आपके मतलब की है। लोकल ढाबे मिल जाएंगे आपको, बीकानेर मिल जाएगा, मैकडॉनल्ड मिल जाएगा, और कैफे कैफे डे मिल जाएगा, अवेलिया मिल जाएगा, तो सारे के सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको। ओ भयंकर कहाँ से निकला ये बेवकूफ, यही तो दिक्कत है यार, हम लोग इस तरफ सोचते हैं राइट साइड की तरफ और ये इधर निकल गया, KFC में जाएगा ये पक्का। मूंगा मूंगा पंजाबी ढाबा भी है यहाँ पर, हमारा गोप्रो दोबारा हैंग ना हो रहा हो, बस मुझे तो इस बात की चिंता, बाकी धूप वूप तो अपन सह लेंगे। हो गई ना मस्त एकदम, देख रहे हो एकदम चिकनी चकनी रोड हो गई। ये वो पुल चालू हो गया भाई, पुल चालू हो गया मूंगा होटल के बगल में, कमाल है यार। जब मैं वापस आया था ना तो ये पुल नहीं चालू हुआ था, पुल चालू हो गया, कमाल है भाई। बीकानेर के बगल में जब मैं आया था तो ये पुल चालू नहीं था, हो गया उद्घाटन, मजा आ गया भाई मजा आ गया। वैसे अभी काम चल रहा है बट जो भी है भाई बढ़िया, एक नंबर बहुत बढ़िया।
अब ऐसी एक और पुल ये बन रहा है, ये भी जैसे पीछे से पुल के बाद पुल बन रहा था ना, वैसी पुल ये सारे बन रहे हैं। ये पुल भी बन रहा है, तो ये सारा पुल बन रहा है वो ब्रज घाट तक। तो ये आ गया ब्रज घाट, हड़जा रोडवेज भाई। जय हो गंगा मैया। आई थिंक गंगा मैया ही जाती है यहाँ से। सिक्का निकाल के डाल देते हैं यहाँ की। जय हो गंगे भाई, यहाँ से ले लेते हैं। नींबू दे दो। बढ़िया लग रही है क्या बाइक? तो गाइज आई थिंक ये आ गया हापुड़। अभी क्या है ना, पता ही नहीं चलता ना, सारा का सारा फ्लाईओवर पे ही चल रहा है हाईवे। दिल्ली यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। देखो बुलटा में वीर जी जा रहे। वीर जी बुलट एकदम एक नंबर लग रही है। आप बुलटा बनी पंजाब से, पंजाब की गाड़ी है बुलटा। बुलटा बुलटे पंजाब में गाजियाबाद 25 किलोमीटर, फरीदाबाद 65, गुड़गांव 83। भाजपा की गाड़ी जा रही है, आगे लिखा है भाजपा। भाजपा जीतेगी, 400 पार होगी कि नहीं होगी मेरे भाइयों? इन अंकल से पूछो ना, गाड़ी में भाजपा लगाया हुआ है। 400 पार मोदी जी कह रहे हैं अब की बार। जी टोल आ गया गाजियाबाद का, पांचवा टोल है ये, नैनीताल हल्द्वानी से दिल्ली की तरफ जाते हुए। गाजियाबाद में आपका स्वागत है। डर गया भाई। गर्मियों को ट्राइम पे तो ट्रैफिक के अंदर फंसना ऐसा लगता है मौत है, अगर आप टू व्हीलर से चल रहे हो। इसके ये जैसी फ्लाईओवर खत्म होगा ना, आ जाएगा लाजपत नगर। अब भाई ये तो जीप है महंगी वाली, रूबीकॉन। दिल्ली आए नहीं और यहाँ दिखने लग गई महंगी महंगी गाड़ियाँ। मतलब आप जो ब्लॉग आएंगे दिल्ली से आएंगे, कुछ अच्छे रिएक्शंस आएंगे भाई के, दिखाऊंगा आपको बहुत सारी जब तक दिल्ली में हूँ। मेरा दिल्ली और हल्द्वानी चक्कर लगता रहता है, सिस्टम चलता रहता है ऐसे ही भाई हो, क्या करे, तो चलता रहता है भाई। हल्द्वानी भी जाना है कुछ दिनों बाद, देखते हैं आगे क्या है, ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। देख रहे हो चाचा कितने गौर से बाइक देख रहा, आगे रेड लाइट हो गई दिख नहीं रहा। चाचा खुश, चाचा खुश। तो ऑलराइट गाइस, आ चुका हूँ अपने घर पे। हाँ लेट जाऊंगा मैं तो, ऐसा लग रहा है बट बिल्कुल नहीं लग रहा। और जब 300 किलोमीटर के करीब था तो कोई ज्यादा इतना बड़ा नहीं था अपनी राइड। आगे और भी बहुत बड़ी बड़ी राइड करनी है, तो प्लीज आप सपोर्ट करो मुझे। वीडियो को लाइक कमेंट, और जो लोग नए हैं वो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो। किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए प्लीज आप मुझे बताना, तो मैं कोशिश करूंगा जैसा आप चाहते हैं वीडियो बनाना वैसे ही मैं बनाऊं। इस बाइक को धुलवाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ चीजें भी आपको बताऊंगा बाइक के बारे में। तो गाइस मिलेंगे बहुत जल्द नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।